अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको चांद रात मुबारक हो। आई तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ अपने भाई से जो यूके से आए हैं अभी और ईद करेंगे हमारे साथ। आप अक्सर उन्हें मेरे व्लॉग में देखते हैं। पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा कर रहा है, पहले तो उम्रे की मुबारक। हाँ, बहुत बहुत मुबारक उम्रे की। बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार सीन है। और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। लास्ट मिनट जो शॉपिंग होती है ना, बड़ी मजेदार होती है। यस, वो ये होती है कि लिया सब कुछ होता है, लगता है कुछ भी नहीं लिया हुआ, तो बस उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, अपनी जो है ना वो थरक बटाने जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान की चांद रात बहुत अरसे बाद मैं तो लग रहा हर दिन चांद रात मना रहा हूँ, इतना बाजार गया हूँ। बाजार भी, और वैसे भी उमरा करके जब आए हैं तो बहुत ही थोड़े दिन थे यहाँ पे, फौरन ही लगता है ईद आ गई है। दो दिन बाद ईद आ गई है। और वैसे भी जब आप आ गए तो ईद आ गई हमारी। चलिए चलते हैं बाजार। आ जाए, यकीनन आप सब पहचान गए होंगे ये कौन है। ये हैं डाक साहब, लंदन से आए हैं मेरे भाई आसिम नसीम, हमारे साथ ईद करेंगे, फिर मेरे भाएंगे। और अभी चलते हैं शॉपिंग पे, देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। समझा भाई, क्या खाना है आपने? कुछ भी है। जैसे क्या था? कुछ भी। ट्रेन कराने गया था, वो मक्का आने से पूरा वो आया काफला। 2000 के देखो केएफसी के कितने बर्गर, 4 बर्गर विद दैट इनको विंग्स हैं, केएफसी वो है। कंपैरिजन करें तो जो मुतासर हो रहे हैं वो ज्यादा है वहाँ पे गाजा में, और जो मुतासर यहाँ पे नहीं हो या यहाँ पे मुतासर हो रहे हैं वो कम है। मैं भी ये कहता हूँ, और ये सही है इनका बॉयकॉट। ये देखिए, ये बहुत जान खुला हुआ है। दिल हेलो जी, अल्लाह दा वास्ता कर आपको ठीक है। इसका आज जबरदस्त कैसा जगमग जगमग कर रहा है, हम बिल्कुल डाउन हो गए। अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल फिर मुझे भी ले दो यार एक। आ जाओ यार, आ जाओ, तुम फ्री वाला मैं लूंगा। हां तुम मुफ्त वाला। ये गाड़ी नहीं सजी हुई, ये ऊपर से नीचे उसके एक्सपर्ट है। ये तो देखा ही नहीं, बहुत हसन का बचपन इतना पतला होता था। और ये आज का हसन माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी सेहत दे, आमीन। ये वो है चीज है विद बटीक, क्या जबरदस्त
ऐसा किया क्योंकि जो ब्राइड एंड ग्रूम का फोटो शूट होता अंदर। अच्छा। शदीद भूख लग चुकी थी, इतनी चीजें देखी हैं, इतना रश देखा, बुरे हाल, मोंगे दियाड़े, और वैसे भी इफ्तारी करके निकले हुए थे, लिहाजा खाना तो बनता था। हसन भाई, हसन भाई, मेरे लिए चिकन, हसन भाई बुलाना जरा। ऑर्डर देने और ऑर्डर आने के दरमियान का जो वक्फा होता है ना, वो बाकायदा एक कठिन तरीन काम होता है। उस वक्फे को हमने फिर ध्यान बटाने के लिए ना ये फिल्म लगा ली थी, और पता नहीं फिल्म कौन सी है, हसन को पता होगा, उसी ने लगाई थी। हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारे रोल कब आएंगे, पराठा रोल, और जब आए तो हमारी भूख और चमक थी। मुस्कुरा के हमजा से तो मुस्कुराया भी नहीं जा रहा, वो कह रहे थे बस मुझे खाने दें। फिर वहाँ से खा के हम लोग आगे वाई ब्लॉग। सुबह 4:30 बजे का वक्त है, फजर की अजानें हो चुकी हैं। सुबह ईद की नमाज की परेशानी है कि जाके सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, अगर नहीं उठेंगे तो उस वक्त तक जागेंगे कैसे, क्योंकि 7 बजे नमाज होनी है। बहरहाल चांद रात तो फिर चांद रात है, आप सबको चांद रात मुबारक हो। चांद के साथ साथ ईद की खुशियाँ भी मुबारक हों। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़, रब राखा।